तो पिवट टेबल में हमने आपके साथ बताया कि पिवट टेबल की समराइजेशन कैसे होती है, कैसे उस पे हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, ग्रुपिंग वगैरह करते हैं। अब बात करते हैं कि डेटा एनालिटिक्स में हम किस तरह से पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके सामने एक डेटा है, और जो डेटा है ये हमारा सेल्स का डेटा है। अब इस पे यहाँ हमने एक रिपोर्ट बनाई हुई है, आप देख पा रहे हैं कि सेल्स डैशबोर्ड हम इसको कॉल करते हैं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का, जिसमें आपका ये सेल्स का ये है। ठीक है, यस सर, यहाँ पे क्या है कि सेल्स का पूरा सिस्टम दिया गया है कि सेल्स का मंथली सेल्स का हो गया, सेल्स बाय सेल्समैन हो गया, सेल्स बाय रीजन हो गया, टॉप 5 कस्टमर्स हो गए, और काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बाय इनवाइस अमाउंट है कि भाई कितने अमाउंट का कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं। और ओके। ये जो आप देख रहे हैं 5-6 रिपोर्ट देख रहे हैं, ये अलग अलग शीट में भी अवेलेबल आपके सामने है। ठीक है, और डैशबोर्ड में यहाँ कंबाइन है, और जैसे मैं इसको देखना चाहता हूं तो क्लिक करते हैं ये उस सीट पे मुझे ले जा रहा ले है जा रहा ओके। है, और यहाँ पे हम अपनी रिपोर्ट्स को अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं, और पिवट भी जहां से हम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जो आप देख पा रहे हैं ये है, इसको बोलते हैं स्लाइसर। दूसरी चीज है कि अलग अलग सीट पे बनाया गया है, तो अलग अलग सीट पे बनाने की रीजन ये है कि सेल्स बोर्ड पे जस्ट उसकी समरी है, सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं है, इस कारण से हम इस पे लिंक क्लिक करते हैं, उस एरिया पे पहुंचते हैं। ठीक है, यस सर, तो यहां हम क्या और क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम स्लाइसर्स, और अगर मान लीजिए मुझे सारा एक ही सीट पे चाहिए था, मतलब कि अलग अलग शीट नहीं बनाने हैं, तो कैसे करेंगे, ये चीज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल की तरह। ओके। तो अभी ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन वो अगली क्लास में, फिलहाल हम बात कर रहे हैं स्लाइसर्स और मल्टी शीट इन द वन पिवट, ओके मल्टी पिवट इन द वन शीट। तो सबसे पहले हम पिवट टेबल यहां से लगाते हैं। अब इंसर्ट पिवट टेबल एंड ओके। अब मान लीजिए कि मुझे मंथ वाइज सेल्स की क्वांटिटी चाहिए, राइट? यस तो मैं ऑर्डर डेट को यहां पे रखा, मंथ आया, लेकिन मंथ सही से आया नहीं, कंबाइन होके तो ग्रुप में जाके मैं डेज को हटा के सिर्फ मंथ का ग्रुप कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही साल का डेटा है, देख पा रहे हैं आप, इसलिए केस कही है। और यहाँ पे हम क्वांटिटी यहाँ पे हम रख दे रहे हैं, राइट? अब यहाँ पे यस मंथ दे देता हूँ। तो अब मुझे दूसरा रिपोर्ट ही बनानी है रेवेन्यू के लिए। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर रेवेन्यू के लिए हम यहीं पे इसी पे रेवेन्यू को क्यों रखते हैं, हम रख सकते हैं, रख तो सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होगा कि जब हम इसमें चार्ट लगाएंगे, ठीक है, चार्ट लगने के बाद आपका क्वांटिटी नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि तो आपका रेवेन्यू का अमाउंट इतना ज्यादा है, इस कारण से क्वांटिटी आपका विजुअल नहीं है, और मुझे जी दो अलग अलग चार्ट तैयार करने हैं। अगर नॉर्मल डेटा होता तो दो अलग अलग चार्ट तैयार किया जा सकता, बट पिवट है, पिवट पे आप एक पिवट पे एक ही चार्ट बना सकते हैं, दो अलग अलग चार्ट पे एक ही, मैं पूरा डेटा पे चार्ट बनेगा, कोई एक कॉलम पे चार्ट नहीं बना सकते आप। हाँ, यहाँ ऑप्शन है कि आप यहाँ से यहाँ ऑप्शन भी नहीं है इग्नोर करने का, मतलब फिल्टर का ऑप्शन आता है नॉर्मल चार्ट पे, आपके यहाँ फिल्टर का ऑप्शन आता है, पर्टिकुलर कॉलम को फिल्टर कर सकते हैं आप, बट यहाँ भी एक पिवट चार्ट में ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम दो अलग अलग पिवट चाहते हैं। ठीक है, पहली ओके। रीजन तो ये हुआ कि दो अलग अलग पिवट चाहते हैं। दूसरा रीजन ये होता है कि कभी कभी जैसे मैंने यहाँ पे स्टेट रख दिया, रीजन रख दिए, ठीक है ना, पेमेंट टाइप रख दिया, कई सारे फिल्टर्स हम रख देते हैं। मैं अभी यहां से स्टेट में CA सिलेक्ट कर लिया, स्टेट कोड, फिर मैंने सिलेक्ट कर लिया ईस्ट,
रीजन में। अब देखिए ईस्ट में डेटा ही नहीं है, ठीक है, तो मुझे नॉर्थ देखना पड़ेगा, नॉर्थ में है कि नहीं है, फिर मुझे देखना पड़ेगा साउथ, साउथ में है कि नहीं है, फिर देखना पड़ेगा हमें वेस्ट, तो पता चला कि हाँ वेस्ट में डेटा मेरे पास है। तो एक प्रॉब्लम आपके साथ ये रहा हुई, समझे? यस। आप जब फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत सारे फिल्टर इस्तेमाल करेंगे जी, तो उसमें किस फिल्टर में डेटा है किस फिल्टर में डेटा नहीं है ये लगाने के बाद पता चलता है आपको। यस सर। बट यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल जाता है जब हम स्लाइसर लगाएंगे, तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। अभी हमने बताया कि दो पिवट को एक सीट पर लगाया जा सकता है, तो क्या कैसे लगा, तो पिवट टेबल इंसर्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे न्यू वर्कशीट होता है, इसके जगह पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और जहां पे लगाना है वहां लगाए। लेकिन ध्यान रखिएगा जब दो पिवट टेबल एक सीट पे लगाते हैं तो एक पिवट टेबल जब फाइनल हो जाए तभी दूसरा पिवट टेबल लगाए। इसके पीछे रीजन ये है कि इसमें कुछ कुछ ऐड करेंगे तो ये पिवट टेबल क्रॉस कर देगा ना। यस। इसलिए अब मैं यहाँ पे मेरे सेम ऑर्डर डेट और मैंने यहाँ पे रेवेन्यू को रखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया मंथ और यहाँ पे हमने कर दिया सेल्स, ठीक है। अब मैं एक और पिवट लगाना चाहता हूँ जहां पे मुझे स्टेट वाइज नहीं सिटी वाइज माफ कीजिएगा सिटी वाइज रेवेन्यू पता चलेगा। तो आप पिवट टेबल लगाने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि बार बार सीट पे जाए पिवट लगाए एड्रेस दे, आप पहले वाले पिवट को कॉपी करके जब दूसरे जगह पे पेस्ट कर लोगे ना तो फिर भी आपका पिवट लग जाएगा। अब यहाँ पे जो है ऑर्डर डेट को मैंने हटा दिया और इसके जगह पे मैं सिटी को रखता हूँ, ठीक है। अब इसमें और भी है कि मैं यहाँ पे क्वांटिटी एंड रेवेन्यू बताना करना चाहता हूँ कि कितनी क्वांटिटी और कितनी रेवेन्यू हुई है। तो एक बार और इसको पिवट को मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इस सिटी को हटाता हूँ, सिटी को हटाने के बाद मैं इसमें इसकी क्वांटिटी को डालता हूँ, ठीक है, और क्वांटिटी डालने के बाद जाहिर सी बात है हम ग्रुप कर देते हैं तो ग्रुप हो जाता है कि कितना किसका सेल हुआ। अब यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि हो सकता है कि क्वांटिटी ब्लैंक हो, इसलिए इस ब्लैंक को फिल्टर करके मैं हटा देता हूँ। हट गई। यस सर। तो हमने दो प्रॉब्लम आप मल्टीपल पिवट के लिए हम दो प्रॉब्लम बात एक सॉरी हमने सबसे पहले बताया कि हमें मल्टीपल पिवट चाहिए क्यों, राइट जी, एक ही डेटा पे कई सारे अलग अलग एंगल्स हमें देखना होता है इसलिए हमें मल्टीपल पिवट की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं जब हम फिल्टर लगाते हैं तो फिल्टर लगाते समय क्या प्रॉब्लम होती है। फिल्टर लगाते समय प्रॉब्लम होती है कि जब एक को सिलेक्ट करते हैं तो दूसरे में दूसरा जो हमारे पास क्राइटेरिया होता है उसमें किसमें डेटा है ये पता करना मुश्किल होता है। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि मैंने कई एक ही डेटा पे कई सारे पिवट लगाया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे ईस्ट सेलेक्ट करूँ तो सिर्फ जो है हमारा पिवट नंबर 1 ही चेंज हुआ, पिवट 2 और 3 चेंज नहीं हुआ, ठीक है। यस सर। इस केस के लिए हम स्लाइसर का इस्तेमाल करते हैं, तो पिवट टेबल एनालाइज में जाते हैं, इंसर्ट इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर में हमें क्या क्या चाहिए, स्टेट चाहिए, हमने स्टेट को सिलेक्ट कर लिया, रीजन चाहिए हमें रीजन को सिलेक्ट कर लिया, और हमें चाहिए पेमेंट टाइप। ओके, और भी चाहिए तो आप क्लिक करके ओके कर दीजिए, आपका तीनों यहां पे दिख जाएगा, ठीक है। अभी इसको अपने हिसाब से जो है ये भी कर सकते हैं, जैसे कि छोटा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया, ताकि एक एक जगह पे आपका फिक्स हो जाए, जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। अब इसको मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको मैं डबल कॉलम कर देता हूँ ताकि क्योंकि दो कॉलम में आ जाएगा, यहां से दो कॉलम में आ गए, इस तरह की चीजें भी आप करके अरेंज कर सकते हैं अपना। अब मैं यहाँ सीए पे क्लिक करता हूं, देखिए सीए सिलेक्ट हो गया, सीओ किया सीए सिलेक्ट हो गया, बट अभी भी मेरा एक ही पिवट चेंज हो रहा है, बाकी पिवट चेंज नहीं हो रहा है,
देखिए बाकी पिवट पे अभी तक हमने इसके लिंक नहीं किए, तो आपको हर पिवट पे क्लिक करना होगा, स्लाइसर में जाना होगा, सॉरी फिल्टर कनेक्शन, माफ कीजिएगा, फिल्टर कनेक्शंस, जो स्लाइसर आप लगाए हैं ना उसका लिस्ट आएगा, उस लिस्ट को सिलेक्ट करें एंड ओके कर दो। वन बाय वन आपको फिल्टर कनेक्शन में जाके इसी चीज का इस्तेमाल करना होगा, फिल्टर कनेक्शंस, और इसी चीज को हमने लिया एंड ओके, समझे? एक यस सर। सेकंड रुक लीजिए। तो आप एक एक करके कर लिए। अब देखिए सीए को सिलेक्ट करते हैं, तीनों आ रहा है, चेंज हो रहा है ना, तीनों फिल्टर अप्लाई हो रहा है। जी सर, हो रहा है, यस सर, तो हमने तीनों फिल्टर कनेक्शन कर लिए। अब ये जो फिल्टर है ना इसको रखने की जरूरत नहीं है, तो फिल लिस्ट में वापस लाता हूं और यहां से हम तीनों को यहां से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है विजुलाइजेशन की, क्या इसके ऊपर हम चार्ट्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, जरूर कर सकते हैं, हम चार्ट यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे डिजाइन में जाइए, इसे पिवट चार्ट, सॉरी इसमें पिवट एनालिसिस में, और आप जो है यहाँ से पिवट चार्ट पे क्लिक कीजिए और जो चार्ट लेना चार्ट पे ले लीजिए। अब इसको कट करके चाहते हैं कि नहीं मुझे किसी और शीट पे, डैशबोर्ड पे रखना है, लेकिन कनेक्टिविटी पिवट से ही करनी है, तो ऐसा भी किया जा सकता है, जैसे कि आपके सामने मैंने ये किया। और इसके भी अपने डिजाइन है, अपने फॉर्मेट है, आप चाहो तो अपने हिसाब से वो भी ले सकते हैं एक एक करके। अब जरूरी नहीं कि पिवट चार्ट में नॉर्मल भी, और नॉर्मल चार्ट भी आप लगाते हैं ना, तो नॉर्मल चार्ट का भी काम यही होता है। जैसे इसको लगाया मैंने, यहाँ से कट करता हूँ और सब मैं लेके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सिलेक्ट किया, यहाँ पे इंसर्ट में हमने चार्ट लिया, इसको कट किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर वापस इस पे जाता हूँ और इंसर्ट, इसमें हम लोग पाई चार्ट ले लेते हैं। ये चार्ट आ सकता है? नहीं आएगा, इसके लिए दो चाहिए। यहां से इसको कट किया और शीट टू पे ले गए। तो इस तरह से हम चार्ट अभी भी हमने हम कट करके ले आ रहे हैं, लेकिन चार्ट अभी भी हमारा पेपर टेबल से ही कनेक्टेड है। ओके, अभी हमारा पिवट टेबल से ही कनेक्टेड है, और जैसे हम चार्ट को कट किए हैं उसी तरीके से हम अपना स्लाइसर को भी कट करके ला सकते हैं। ओके सर, यस सर, अब मैं यहाँ पे अगर सीए सिलेक्ट करता हूँ तो सीए का आ जाएगा, एफएल एफएल का आ जाएगा, दिख रहा है? यस सर, तो कैसे काम कर रहा है, जैसे सीए पे क्लिक किया तो सीधे पिवट टेबल के, पिवट टेबल को फिल्टर कर रहा है, और चार्ट जैसे पिवट टेबल से लिंक है तो चार्ट भी अपने आप को चेंज कर रहा है। यस सर, तो इस तरह से इसका रिपोर्ट की जा सकती है। तो ये दोनों फाइल, जैसे कि एक जो पहले हमारा है पिवट टेबल का डैशबोर्ड है, इसमें डैशबोर्ड बनाया हुआ है, ए फाइल भी, और आपको ए फाइल, दोनों फाइल आपको हम भेज देते हैं ताकि आप तसल्ली से बैठ के अपना इसको कर सके। यस श्योर, उसके बाद हम कल बात करेंगे पावर पिवट टेबल और रिलेशनशिप के बारे में, और एक डेटा फ्रेमवर्क करेंगे।